हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक बैग लेकर आई हूँ, शॉपिंग बैग। और ये जो पीस आप देख रहे हैं, इसको मैंने आपको कुछ दिन पहले ये पैटर्न सिखाया था, तो उसमें से ये हमने चार रो बनाई थी, एक रो मैंने बैग के डिज़ाइन के हिसाब से निकाल दी है। तो ये तीन लाइन से हम बैग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर का साइड है इसमें हम एक पाइपिंग लगा देंगे। बैग के डिज़ाइन के हिसाब से इसकी जो हम हाइट बढ़ाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 3 इंच बाई 9 इंच का एक पीस ले लिया है, और इस पर भी एक साइड में हम पाइपिंग चढ़ा देंगे। अब इस पाइपिंग को हम आमने सामने इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर इसमें हम जॉइंट दे देंगे। तो जॉइंट देने के लिए क्या करेंगे, ये पॉकेट हमको बनानी है इसकी, तो इसको एक लाइनिंग के पीस पर रखेंगे। तो ये 9 बाई 12 इंच का पूरा हाइट हो गई है हमारी, और इसको हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। तो ये यहाँ पर आपस में रखते हुए इसको बाद में जोड़ देंगे। यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे। अब इसका हम मेजरमेंट करेंगे, तो ये हमको मिल रहा है 9 बाई 12 इंच। एकदम एक्यूरेट हमारे पास ये साइज़ आ गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 4 बाई 12 इंच का एक पीस, और इसको इस साइड में जोड़ देंगे। दोनों उल्टे पीस अंदर आएंगे, सीधा पीस हमारा बाहर आएगा, और इस पर एक पाइपिंग भी चढ़ाएंगे। सीधा करेंगे सिलाई को, इस तरह से दबाते हुए यहाँ पाइपिंग में फिनिशिंग दे देंगे। और ये जो जोड़ है, पहले हमने मशीन चलाई थी, इस पर पाइपिंग जोड़ी थी, वहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। और इसी तरह से यहाँ पर ये दूसरा पीस भी हम इसको जोड़ देंगे। और इस तरह से ये एक पीस हमारा तैयार हो गया विद पॉकेट, इस तरह से। तो ये जो हमने पैचवर्क सीखा था, इसका एक अच्छा इस्तेमाल भी हो गया। अब इसका पूरा मेजरमेंट करेंगे हम। ये हमको मिल रहा है पीस अब 12 बाई 16 इंच। अब इसको हमें 15 इंच करना है, तो ये 16 है, ये 8 इंच हमारा सेंटर है। अब यहाँ से 7.5 कर देते हैं, इधर इधर मार्क कर देंगे, और 7.5 इधर कर देंगे, नीचे से भी सेंटर निकाल लेंगे। और इस पर एक लाइन खींचेंगे पहले, अब इस लाइन पर हम मशीन चलाएंगे, उसके बाद इसको हम कट करेंगे। तो ये हमको 12 बाई 15 इंच का एक पीस मिल जाएगा। अब ये जो हमने यहाँ पर पाइपिंग लगाई है, यहाँ पर अब हम बेल्ट लगा देंगे। बेल्ट मैंने यहाँ 26 इंच की ली है। अब इसमें हम बेल्ट जोड़ेंगे, तो ऊपर के साइड में ये जहाँ पर ये हमारा प्रिंटेड पीस ख़त्म हो रहा है पॉकेट का, वहाँ पर इसको अंदर रखते हुए इस तरह से जोड़ देंगे। अब ये 12 बाई 15 इंच का एक पीस हमारा रेडी हो गया है।
अब दूसरा 12x15 इंच का पीस हमने इस तरह से प्लेन ले लिया है। अब इसको इस पर रखेंगे, यहाँ पर निशान लगा लेंगे जहाँ पर बेल्ट है इस तरह से, और यहाँ पर भी हम दूसरी बेल्ट को अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद दोनों पीस को दोनों पीस सीधा अंदर, बेल्ट एक साथ, और इसको हम दो साइड से जोड़ देंगे और इस पर पाइपिंग चढ़ा देंगे। अब ये जो हैंडल वाला पीस है इस पर हम चारों तरफ गोलाई में पाइपिंग चढ़ा देंगे। अब ये पाइपिंग चढ़ाने के बाद ये जो हमने हैंडल लगाए थे, हैंडल को हम बाहर रखेंगे इस तरह से, और ये जो पाइपिंग का जो किनारा आया है उसके ऊपर यहाँ पर मशीन चला देंगे। अब बेल्ट सिलने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद, यहाँ पर हमने लिया है 4x11 इंच का एक क्विल्टेड पीस। अब इसका यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे, 4 इंच जहाँ पर है उसमें सेंटर निकालेंगे, और इस सेंटर को निकालने के बाद ये जो सेंटर है और ये जो साइड की सिलाई है यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको सिल देंगे। तो पहले जो 4 इंच है उसको यहाँ पर जोड़ेंगे सेंटर मिलाते हुए, इसको यहाँ मिलाते हुए, उसके बाद 11 इंच को जोड़ देंगे। अब ये हम 11 इंच को जोड़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट आ रहा है। इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो पाइपिंग दे सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ सीधा करेंगे और बाहर से पूरे 4x11 इंच के एरिए पर दाब मशीन चला देंगे। यहाँ पर इसको होल्ड करते हुए बराबर से दाब मशीन चला देनी है। और अब ये हमारा शॉपिंग बैग कंप्लीट हो गया। तो पैचवर्क जो हमने तैयार किया था उस तरह से इसको बना करके, और इस तरह से शॉपिंग बैग भी या किसी भी तरह के बैग भी इसको बनाए जा सकते हैं। तो और यहाँ पर हमने एक पॉकेट दे दी है और अंदर एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है, ये देखिए कहीं कोई सिलाई दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से ये आज का हमारा शॉपिंग बैग पैचवर्क के साथ कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। जल्दी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।